नदी के पानी का रंग थोड़ा फर्क होता है, चाहे प्रदूषण हो या फिर न हो। यमुना का ही दूसरा नाम है कालिंदी, इसीलिए पानी पूरी तरीके से नीला शुद्ध वैसे नजर नहीं आएगा। लेकिन आपको बताएं कि दिल्ली में यमुना नदी के तट पर जहां पर हम खड़े हैं, आम दिनों पर यहां पर इस तरह की बदबू रहती है प्रदूषण के कारण कि आपके लिए खड़ा होना मुश्किल है। लेकिन आज वो तस्वीर नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि क्लोराइड की मात्रा कुछ कम है, लेकिन अगर एक मुकम्मल आंकड़ा चाहिए तो उसके लिए सैंपल इकट्ठा करना शुरू हो चुका है। और ये बात सिर्फ यमुना नदी की नहीं है, बल्कि देश में लगभग हर नदी के साथ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं, और खासकर गंगा, जहां पर प्रदूषण कानपुर जैसे क्षेत्र में भी बेहद कम। कोरोना वायरस इंसानों के लिए जहर है, पर इसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसने प्रकृति को जैसे संजीवनी दी। ये तस्वीरें तीर्थ नगरी हरिद्वार की, गंगा का अद्भुत नाम। कलकल की ऐसी आवाज बहुत कम लोगों ने पहले सुनी होगी। हरिद्वार में मां गंगा का पानी इतना निर्मल हो गया है कि आप खुली आंखों से तलहटी तक देख सकते हैं। गंगा मैया हमारे को बिल्कुल साफ, स्वच्छ, निर्मल और स्वच्छ दिखाई दे रही है। आज गंगा जो है हमारी उस निर्मल वे में बह रही है जो कभी प्राचीन समय से बहती चली आई है। और आज जो गंगा का जो ये जल है, ये वाकई में लगता है कि आज वाकई में गंगा जो है बड़ी सुंदर और बहुत पतित पावनी दिखाई दे रही है। हरिद्वार के तटों पर गंगा वर्तमान में जिस समय बह रही है वो पूरी तरह शीशे की तरह जल है। आप ऊपर से एक सिक्का गंगा में उछालेंगे, वो नीचे तल तक आपको शुद्ध तरीके से नजर आ जाएगा। गंगोत्री से निकलकर गंगा जैसे जैसे मैदान पर पहुंचती है प्रदूषित होती जाती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद हैं और प्रदूषण के और भी कई कारण, जिसकी वजह से गंगा में प्रदूषण का स्तर न के बराबर। उत्तर प्रदेश में गंगा सबसे ज्यादा कानपुर में मैली होती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद यहाँ बहुत बदलाव आया है। इतनी साफ गंगा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है। मोदी जी का इतना प्रयास रहा, उसके बाद भी गंगा इतनी नहीं साफ हो पाई जितनी लॉकडाउन को होने से गंगा माँ इतनी साफ हो गई है। इस बात की खुशी तो है, गंगा साफ है। लॉकडाउन जब खत्म होगा तो गंगा जी में नहाए वाले बहुत लोग आएंगे। तीर्थराज प्रयाग की ये तस्वीर भी देखिए, गंगा और यमुना की ऐसी धार, ऐसी रफ्तार और इतना शुद्ध पानी शायद ही किसी की याद में। इस समय माँ गंगा का अनुपम दृश्य, अनुपम छटा है। इनकी जो धारा है वह निर्मल है, ऐसा प्रयाग में कभी भी निर्मलता का प्रारूप देखने को नहीं मिला है। आज के पहले मैंने कभी भी अपने जीवन में ऐसी धारा नहीं देखी है। इतनी साफ सफाई और इतना सुंदर जो वातावरण यहाँ पे मनमोहक होता है वो हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। जो जल बिल्कुल साफ क्लियर आप देख सकते हैं, एक एक कंकड़ उसमें कभी कभी दिखते हैं। वाराणसी में भी गंगा अपने दिव्य स्वरूप में बह रही है। ये अविरल निर्मल गंगा की अद्भुत तस्वीर है। कोरोना काल में संसार पूरी तरह बदल गया है। लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्रियां बंद हुई, इंसानों ने अपने काम रोके तो प्रकृति ने रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। ये दिल्ली में यमुना की तस्वीर है। टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो लॉकडाउन से पहले की, जहां पर यमुना का पानी प्रदूषित नजर आता है। अब लॉकडाउन के बाद उसी यमुना के पानी को देखिए, प्रवाह में तेजी है और गंदगी बहुत कम नजर आ रही है। नदी के किनारे भी शीतल हवा का एहसास है। सरकारों की बड़ी बड़ी योजनाएं सालों से जो काम नहीं कर पाई उसे कोरोना के खौफ ने चंद हफ्तों में कर दिखाया है। शायद ये प्रकृति के रिपेयर का अपना तरीका है। लॉकडाउन ने हमारे देश को फायदा ही पहुंचाया है। गंगा की सफाई पर पिछले 30 वर्षों से हमने बहुत पैसे खर्च किए, करोड़ों रुपए खर्च किए, परंतु हम इसको साफ नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।